नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 50 आवासों का वितरण उत्साह पूर्वक हुआ। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी एवं नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने रांझी मोहनिया के पक्के आवासों में 50 गरीब परिवारों का गृह प्रवेश कराया। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोहनिया में गरीबों के लिए पक्के आवास बनाए गए हैं, लेकिन पूरा पैसा जमा कराने के बाद भी हितग्राहियों को मकान की चाबी नहीं मिल पा रही थी, जिसे जनप्रतिनिधियों ने साकार कर दिखाया। पक्के मकान पाकर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जब हमारी सदन की बैठक थी सामान्य सभा की, उस समय कैंट के विधायक माननीय रोहानी जी उस बैठक में आए थे। उन्होंने निर्देश किया था कि जिन लोगों ने अपनी राशि जमा करी है या तो उनको आवास दिए जाए, अन्यथा उनकी राशि वापस की जाए। तो हम लोगों ने बैठक करके जिन लोगों के पैसे जमा थे, ऐसे 50 परिवारों को आज गृह प्रवेश करवाया। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जन कल्याणकारी योजना जो पीड़ित क्षेत्र है, मतलब जो आर्थिक पक्ष से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5,65,000 की राशि का फ्लैट उनको अगर बाजार में जाके कहीं खरीदते तो 12-13 लाख से ऊपर कहीं मिलता। क्षेत्रीय विधायक और नगर निगम अध्यक्ष का कहना है कि आवास योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, प्रत्येक बेघर को पक्का मकान मिले, यही भाजपा सरकार का संकल्प है। भेड़ाघाट रोड अंधमुख बाईपास के निकट आवागमन में बाधक बन रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जेसीबी मशीनों के जरिए हटाए गए। अंधमोख बाईपास पर हादसों का सबब बन रहे बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सड़क एवं फुटपाथ पर जमे 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरों को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी दी गई कि दोबारा कब्जे होने पर FIR दर्ज कराई जाएगी। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। स्वच्छता अभियान 2023 में सफाई मित्रों की कमी बाधक ना बने, इसको देखते हुए सदन की पूर्व प्रत्याशा में 1,111 सफाई मित्रों को आउटसोर्सेस के जरिए रखने की अनुमति निगम अध्यक्ष ने जारी की है। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने बताया कि सदन की बैठक आयोजित नहीं हो पाने के कारण जनहित में ये निर्णय लिया गया है। शहर में अब सफाई मित्रों की कमी नहीं रहेगी। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने बताया कि आउटसोर्स के जरिए 1,111 सफाई मित्रों को रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, ताकि स्वच्छता अभियान 2023 के तहत कराए जाने वाले सफाई कार्यों को गति मिल सके। नगर निगम अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है कि स्वच्छता के लिए कॉम्पिटिशन में हम आ जाए, भले हमारा प्रथम स्थान लाए, हमारा नगर निगम का पूरा क्षेत्र स्वच्छ रहे, इसको देखते हुए MIC के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को सदन की बैठक में थोड़ी देरी हो रही है, पर सफाई का काम बहुत जरूरी है इसको देखते हुए, और हमको कंपटीशन में आगे जाना है, इस बार हिंदुस्तान में हमारे शहर का नाम हो, आउटसोर्सेस से 1,111 श्रमिक मित्रों को रखने के लिए पूर्व प्रत्याशा में हमने माननीय आयुक्त महोदय को भेज दिया है। और निश्चित रूप से एक तो स्वच्छता की दृष्टि से भी अच्छा कदम है, एवं हमारे जो युवा साथी सफाई मित्र बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार की दृष्टि से लाभ मिलेगा शहर के लोगों को। गौरतलब है कि ये निर्णय मेयर एंड काउंसिल की बैठक में लिया गया था और इसे सदन की ओर अग्रेसित किया गया था, लेकिन सदन बैठक नहीं होने के कारण निर्णय रुका हुआ था, लिहाजा शहर हित में इसे सदन की पूर्व प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई है। दमोनाका से मदन महल तक बनाए जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण होगा। इसके साथ ही फ्लाईओवर के विस्तारीकरण का कार्य भी मार्च 2024 तक पूर्ण करने की योजना है। सांसद राकेश सिंह ने कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने कार्य स्थलों का दौरा किया और निर्माण कार्य से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। दमोनाका से मदन महल तक बनाए जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के कार्य का सांसद राकेश सिंह ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।
सांसद ने अधिकारियों से कार्य की प्रगति, इसके विस्तारीकरण, दोनों तरफ की सड़क को मोटरेबल बनाने और केबल स्टे ब्रिज निर्माण सहित उतरने वाले टैंपों के विषय में विस्तार से चर्चा की। सांसद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि फ्लाईओवर निर्माण का कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है केबल स्टे ब्रिज, जो सबसे अपने आप में तकनीकी रूप से काफी कठिन और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मिलाकर संभावना है कि फरवरी मार्च तक ये 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। दमोह नाका से उस पार जो दूसरा पार्ट है इसका, वो लगभग 78 करोड़ का, जिसको उसमें बाद में शामिल करवाया था, और आम तौर पर कभी CRF से कोई एक बार काम स्वीकृत होता तो उसमें कोई संशोधन नहीं होता, लेकिन माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये संभव हो पाया, और उसमें दोनों तरफ में लगभग 400-400 मीटर दमोह नाका से दोनों तरफ में वो जो दूसरा काम है वो बनने वाला है। उसके 400 मीटर का एक रैंप जाएगा कटनी रोड पर, 400 मीटर बलदेव बाग रोड पर और 400 मीटर ITI रोड पर, तो कुल मिलाकर यातायात की दृष्टि से अत्यंत एक अच्छा फ्लाईओवर, जबलपुर के विकास की दृष्टि से एक बेहतर फ्लाईओवर हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक में पूरा होगा। उस वाले हिस्से का भी जो टाइम है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो कुल मिलाकर 18 महीने का टाइम उनके पास में भी है। स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में जन जागृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत और हलाल सर्टिफिकेशन एक भारत विरोधी षड्यंत्र विषय पर आयोजित व्याख्यान माला में हिंदू जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे बतौर वक्ता शामिल हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में हलाल सर्टिफिकेट को भारत पर बड़ा आर्थिक आक्रमण बताया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर हिंदू सेवा परिषद ने जबलपुर में जन जागृति व्याख्यान माला का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत एवं हलाल सर्टिफिकेशन एक भारत विरोधी षड्यंत्र विषय पर आयोजित व्याख्यान माला को मुख्य वक्ता के तौर पर हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश हनुमंत शिंदे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के समन्वयक आनंद जखोरिया ने संबोधित किया। हिंदू जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस दौरान कहा कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट एक बड़ा आर्थिक आक्रमण है और इसके द्वारा एकत्र रुपयों से आतंकवाद को फंडिंग की जा रही है। उन्होंने युवकों से आह्वान किया कि वो हलाल सर्टिफिकेट के खतरों को समझें और इसका पुरजोर विरोध करें। जो ये एक हलाल के नाम पर एक जिहाद भारत में चालू है, उसके बारे में एक जागृति करना एक प्रयास है, उसके बारे में आज यहाँ पर विषय होगा, और उसके साथ में हमारा एक प्रयास रहेगा कि जैसे आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने कहा है कि इस हलाल के विरुद्ध में हम कानून बनाएंगे, कर्नाटक में उसका बिल ड्राफ्ट हो चुका है तो कर्नाटक में भी ये कानून जल्दी ही बनेगा, कि भारत में मात्र सरकारी संस्था को सर्टिफिकेट देने का अथॉरिटी है, किसी धार्मिक संस्था को, किसी मदरसा को सर्टिफिकेट देने की कोई अथॉरिटी नहीं, पैसा जमा करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा संकट है और उसके बारे में हम प्रयास कर। व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को जीवन में लाने का संकल्प लेने की बात कही। व्याख्यान माला में हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता अतुल जयस्वानी, महानगर अध्यक्ष सौरभ जैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। जिले में नशीले इंजेक्शन बेचने का कारोबार कर रहे लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। बेलबाग पुलिस ने तुलसी मोहल्ला बाई का बगीचा के पास नशीले इंजेक्शन बेचने की फराक में खड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। इससे 300 नग नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई है। जिले में नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले लगातार सामने आ रहे हैं। बेलबाग पुलिस ने तुलसी मोहल्ला बाई का बगीचा में दबिश देकर नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़े जयंत राय नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। जयंत से 300 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। पूछताछ में जयंत ने बताया कि उसे सरकारी कुआं निवासी राजेश रजक और रांची निवासी अशोक चौधरी ने नशीले इंजेक्शन बेचने के लिए दिए थे, जिसके लिए उसे 300 रुपए प्रतिदिन दिया करते थे। पुलिस ने जयंत के अलावा अशोक चौधरी और राजेश रजक के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है और दोनों की तलाश शुरू कर दी है। इलाका उभर के मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तुलसी मोहल्ला में रहने वाला जयंत राय अपने घर के सामने नशीले इंजेक्शन बेचने के फिराक में थैले में नशीले इंजेक्शन लेकर खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर
स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो जयंत राय के कब्जे से कुल 300 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। पूछताछ में जयंत राय ने बताया कि रांझी निवासी अशोक चौधरी व सरकारी कुआं निवासी राजेश रजक, इनके द्वारा जो है तो इसको नशीले इंजेक्शन बिक्री करने के लिए दिया गया था। उनकी तलाश पतासाजी की जा रही है और आरोपी लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर बेचने की जा रही है। लगभग 7,000 रुपए के है। पुलिस का कहना है कि दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नशे के कारोबार से जुड़े और भी खुलासे होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के एक ट्रक में कीटनाशक के साथ पंजाब ले जाई जा रही गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में जबलपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने माड़ोताल थाना क्षेत्र पाटन बाईपास के पास शली यार्ड में खड़े ट्रक से 1 क्विंटल 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। छत्तीसगढ़ से आए एक ट्रक में कीटनाशक की आड़ में गांजे की बड़ी खेप की पंजाब सप्लाई की जा रही थी। माड़ोताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पाटन बाईपास पर स्थित शनि यार्ड में खड़े ट्रक में कीटनाशक के बीच छिपाकर रखा गया 1 क्विंटल 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इस गांजे की कीमत लगभग 37 लाख रुपए है। ट्रक से पुलिस ने लाखों रुपए कीमत का कीटनाशक भी जब्त किया है। इस मामले में ट्रक चालक पन्ना निवासी मनोज लोधी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार ट्रक मालिक भिलाई निवासी महेंद्र सिंह की पुलिस तलाश कर रही है। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गांजा आंध्र प्रदेश से स्मगल किया जा रहा था। ट्रक चालक ने प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी देते हुए बताया कि वो ट्रक में लोड सामान को आंध्र प्रदेश से लोड कर पंजाब के समरा लॉजिस्टिक पार्क कोहरा रोड सोनेपाल लुधियाना में अनलोड करने के लिए अपने मालिक के साथ जा रहा था। पुलिस ने मनोज लोधी और ट्रक मालिक महेंद्र सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर मनोज को विधिवत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक चालक को न्यायालय में पेश कर उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि ट्रक चालक और ट्रक मालिक कीटनाशक की आड़ में गांजे की बड़ी खेप लेकर पंजाब जा रहे थे। इस संबंध में ट्रक चालक से और भी पूछताछ की जाएगी। सूचना ये थी कि इसमें कुछ नारकोटिक्स ड्रग्स नारकोटिक्स पदार्थ वगैरह इसमें हैं, कुछ संदिग्ध पदार्थ हैं। तो इस सूचना को जब डेवलप किया गया तो ये पाया गया कि जबलपुर के पास पाटन बाईपास पे एक सनी यार्ड नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ है और उस ट्रक में पेस्टिसाइड रखा हुआ था। जब पूरा तरह से सामान देखा गया तो ये पाया गया कि उसमें उस पेस्टिसाइड के साथ में गांजा भी रखा हुआ था, और वो गांजा कोई थोड़ा बहुत गांजा नहीं था, वो 1 क्विंटल 85 किलोग्राम गांजा था, जो कि प्लास्टिक के पैकेट्स में करीबन 95 पैकेट्स में लपेट कर रखा गया था। यानी कि पेस्टिसाइड की आड़ में गांजे का परिवहन किया जा रहा था। और जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसमें ट्रक चालक था, और ये ट्रक चालक जो अपने मध्य प्रदेश के रहने वाला है, पन्ना जिले का थाना सलेहा के गांव का है। और अब इस ट्रक चालक से जब पूछताछ की गई तो इसका कहना था कि हम तो लुधियाना जा रहे थे माल लेकर के। अब जो ट्रक मालिक है, ये ट्रक मालिक जो है भिलाई का है, भिलाई में एक शिवाजी नगर जगह है, वहाँ का रहने वाला है, अभी ये फरार है। तो पूछताछ में ये पता चला कि ट्रक मालिक की नॉलेज में ये बात थी, और ट्रक मालिक और ड्राइवर दोनों जो है इस माल को पंजाब में खपाने के ले जा रहे थे। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया है शाम को, और उसको रिमांड लिया गया है। रिमांड हमने इस बात का लिया है कि हम उससे पूरी एक थोरो इंट्रोगेशन करेंगे। थोरो इंट्रोगेशन में है कि वो कहाँ से ला रहा था, और पहले भी कितने बार जबलपुर आया है, और कहाँ वो ले जा रहा था, और किस तरीके से वो, उसकी क्या मॉडल्स अपरेंडी है, ये सब बातों का पता करने के लिए। और क्या जबलपुर के स्थानीय क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ है, क्या उसने और कहीं भी सप्लाई किया हुआ है, इन सब बातों के लिए उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल कीटनाशक और गांजे से लोड ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में रखा 20 लाख रुपए कीमत के कीटनाशक की भी जब्ती की गई है, और ट्रक ड्राइवर से मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण दिन के समय ठंड से थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, लेकिन सुबह शाम और रात को उत्तरी हवाओं का असर बरकरार है, जिससे तीखी सर्दी का एहसास हो रहा है।
बुधवार को न्यूनतम तापमान में हल्का इजाफा हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में ठंड का असर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी कई जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण तापमान में हल्का इजाफा हो रहा है, लेकिन सुबह शाम चल रही उत्तरी सर्द हवाओं से लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। बुधवार को जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं उत्तरी सर्द हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मेरी समझ से ऐसा लगता है कि पिछले 40-50 साल में पहली बार ये जनवरी और इधर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक लगातार सर्दी ने अपना सिस्टम लाया, और जिस तरीके से माइनस पे जा रहा है, मतलब पारा गिरता जा रहा है, ऐसा लगता है बुजुर्ग लोगों को और बाकी कामकाजी लोगों को जिस तरीके से यहाँ का रहाई से गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। दिन में सन के वजह से 2-3 घंटे का राहत रहता है, लेकिन शाम होते ही 4 बजे के बाद फिर ठंडी घेर लेता है और सुबह 11 बजे तक इधर ठंडी बनी रहती है। सर्दी दिसंबर के लास्ट वीक से बहुत तेज पड़ रही है। आज 10 से 12 दिन हो गया सर्दी का सितम हम जारी है, और सर्दी में सुबह तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, थोड़ा थोड़ा जब सूर्य आता है तो सर्दी कुछ कम होती है, शाम को सूर्य ढलने के बाद सर्दी का सितम फिर बढ़ जाता है। सूर्यदेव आते हैं जब थोड़ा गर्माहट चालू होती है, पर शाम डलते ही फिर जो की तो स्थिति हो जाती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 14 जनवरी के बाद कड़ाके की सर्दी का एक और दौर आ सकता है। इसके चलते रात के साथ दिन भी सर्द होने की संभावना बनी रहेगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। बिना हेलमेट पहने दो